तो पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ओप्पो बन गए थे लिजर्ड, लेकिन उन्होंने जगा दिया था वापस से वेनम को। पर आज के एपिसोड में होता ऐसा है कि आयरन मैन आते हैं और बनाते हैं मेरे लिए एक नया सूट, और उस सूट से मुझे हराना है वेनम को। क्या मैं वेनम को रोक पाऊंगा या नहीं, ये जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए। एचके उठो एचके, अरे इसको तो लग चुकी है, ये तो घायल है, क्या हुआ इसको? तो मेरे लिजर्ड बनने के बाद इतनी तबाही मच चुकी है, इसको लैब जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर जाना पड़ेगा। एक मिनट देखो, जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजो। ये जो साउथ ईस्ट टावर के ऊपर टावर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 300, इस पे हेलीकॉप्टर, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजो। एच के चिंता ना करो, तुमको बचा लेंगे हम। एच के चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। गुस्सा मत दिलाना वरना लेजर बन जाऊंगा हल्की तरह। और लिजर्ड का छोड़ो, आपने क्या करा? क्या करा मैंने? अपने पगला टेक को सब बता दिया, वापस वेनम बन गया। ओ बेटा वो को उसने से पूछा मासूम की शक्ल ना के, वो बता दिया उसको मैंने हिसाब से। वो से मासूम रहा नहीं है ऐसे तो। उन्होंने मेरे को छाती पे मारा था, इसकी वजह से मैं घायल हो गया बहुत ज्यादा। वो खून निकला, वो भाग गया, अब वो पता नहीं क्या था भाई मचाएगा। ओ डॉक्टर ओप्पो ये क्यों कर दिया? एक सेकंड डॉक्टर ओप्पो, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? वो पोशन काम कर गया, आपके हाथ ठीक हो गए। एक मिनट, अरे हाँ, आपके अंदर अभी भी लेजर तो नहीं है डॉक्टर ओप्पो? वो राज तो लेजर के पास ही, मेरे पास नहीं है। चलो आपके हार्ट ठीक हो गए, वो जान के मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे पगला टेक को रोकना होगा। वो वेनम बन चुका है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, वो तबाही मचा देगा हर जगह, मुझे उसे हराना पड़ेगा। डॉक्टर को कैसे रहो, मेरा तो सूट भी काम नहीं करता ढंग से। मेरे को लगता है तुम अकेले तो नहीं रहोगे, तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी। अरे लेकिन कौन करेगा मेरी हेल्प डॉक्टर को? मैं करूंगा तुम्हारी है। अरे आयरन मैन, बिग फैन, अरे बिल्कुल सही टाइम पे आया आयरन मैन। बस बेटा बस, चेप ना हो। सॉरी बेटा, चुप गया होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मेरे को सब मालूम है क्या दिक्कत तुमने फैलाई है, और क्या अप्पू ने फैलाई है, और क्या तुम्हारे दोस्त ने फैलाई है। बहुत रिसर्च करके आया हूँ मैं, क्योंकि मैं टोनी स्टार्क हूँ, सबसे अमीर। आप यहाँ अपनी तारीफ करने आए हो या मेरी मदद करने आए हो? क्योंकि आपका सूट ना थोड़ा वहाँ पे पिटाई हो गई मेरी, आपके सूट से थोड़ी सी जरा। बेटा ये डिपेंड शूट पे नहीं करता, ये शूट चलाने वाले पे करता है। सही बचा तुम्हारा शूट को रिपेयर करना पड़ेगा। डॉक्टर अब कुछ नहीं बोलेगा, डॉक्टर अब खुद हंसरा मनी मन तुम्हारी बेइज्जती से, है ना अब्बू? वो देखो हाँ कर लिया। तो तुम दोनों यहाँ पे आके मेरी वाट लगा रहे हो? आओ एक काम करो, मुझे अपना शूट दो जल्दी, मैं इसको ठीक करके ले आऊंगा। पर मेरे पास थोड़ा स्पेयर सूट नहीं है, मैं कोई आग उसी को किसी को ताले तुम्हें क्या करूंगा? तो कुछ दिन छुट्टियां मनाओ बेटा, और जो तुमने सूट से ट्रैकर निकाला ना, वो वापस लगाऊंगा पहली बार। हाँ ठीक होने के बाद सूट वापस दूंगा, या ठीक नहीं होगा तो नहीं दूंगा। अरे ये तो वापिस क्या? छुट्टी ले लूंगा दुनिया को मेरी, जब ये जाके सोना। डॉक्टर अब आप तो कितने दयालु हो, कितने हैंडसम हो, आपके इतने सारे बाल भी है। मेरे तेल के बदले पानी कौन लेके आया? कौन लेके आया? नाम बोलो मुझे उसका। एचके फिरोज। एचके फिरोज पता नहीं कौन है, मैं तो एचके फिरोज। एचके फिरोज मैं तो फिरोज हूँ ना, एचके फिरोज।
अच्छा डॉक्टर अप्पू ये सब अरे मेरी बाजूका का सॉरी डॉक्टर अप्पू मेरे को ना थोड़ा सा ना एक स्पेयर सूट दे दो क्योंकि ना ऐसा है कि अगर मैं ऐसे गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप तो बहुत अच्छे हो ना, आप तो मुझे पता है दे दो यार। मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये है इंजेक्शन। नहीं डॉक्टर अप्पू ले थोड़ा मैं पक्का जैपनीज वाला तेल लेकर जैपनीज वाला तेल अरे बेटा 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 स्पेशल जापान से बना आपको रॉक कॉन्सर्ट का बहुत बड़ा फैन था, अब नहीं हूँ, तो अब ये तुम बन जाओ फैन छपरी वाला। चलो काम चला हुआ है, अभी चलता हूँ मुझे बाहर जाना है, इससे पहले कुछ गड़बड़ो जल्दी से टोनी स्टार्क मेरा सूट एकदम मस्त सा कर दे तो मैं जा सकूंगा जल्दी से दुनिया को वापस से बचाने। यार एक तो ये सूट ना मुझे बहुत ना अजीब सा लग रहा है, एक काम करता हूँ घर पे चला जाता हूँ, घर पे तो कोई होगा नहीं, इससे पहले कि कोई भी मुझे देखे और मेरा मजाक उड़ाए इससे पहले मैं घर चला जाता हूँ, तब तक टोनी स्टार्क बना देंगे सूट और मुझे मिल जाएगा नया सूट। हाँ तो ये क्या पहन लिया है तूने? मैं हूँ स्पाइडरमैन का डुप्लीकेट। ओ छपरी मैन, ओ छपरी मैन। अबे उल्टी बाल्टी ज्यादा फालतू मत बोल। उल्टी बाल कम से कम उल्टी बाल्टी दो तो छपरी बन चुका है। मिटा बजाना आता भी तेरे को? तू ना बहुत फालतू बोल रहा है, ठीक है मेरी मजबूरी थी सूट पहनना, तुझे नहीं पता ठीक है? क्या मजबूरी थी? पैसे कम पड़ गए कि गाना बजा के भीख मांगेगा? उल्टी बाल्टी मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मैं वैसे आज बहुत कुटाई खा के आया हूँ ठीक है, मेरे को ज्यादा परेशान परेशान मत कर। ऐसे सूट पे तो मैं चप्पल ही खाई होंगी लोगों की। चल भाई तू क्या करने जा रहा है? मैं कुछ करने नहीं जा रहा, मैं घर आ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे ऐसे देख ले। अच्छा पत्ते तो मैंने फोटो खींच लिया नहीं डिलीट कर दूंगा वायरल हो जाऊंगा, मैं पहले से बहुत वायरल हूँ, मैं और वायरल नहीं होना चाहता प्लीज 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 प्लीज। टोनी स्टार्क ने लाइक कर दी खुद की। कॉल था पर वो कॉल किसी एजेंट ने किया था। क्यों? फोन बेच दिया? ओ सीट पे टैग हो चुका है। हैं क्या किसने किया? क्या नाम ने? चलो जाना पड़ेगा। अबे तू तो उड़ के चला जाएगा, मैं पुराना वाला सूट है ठीक था। नोवा में आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करियो, अकेले बचाइयो, बहुत खतरनाक है। शिट 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 नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ये वेनम पागल हो गया क्या? कहाँ है? ओह नो पूरा वेनम रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? आ गया स्पाइडरमैन तू, अब देख मेरी ताकत। Oh shit, ये क्या कर यार, मुझे इसको कैसे भी करके हराना पड़ेगा। नहीं फिर आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे वो तो बहुत खतरनाक है, तुमको मार देगा, तुम चले जाना से। मेरे
पहनना पड़ा और मैं इस वेनम को नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तो इन दोनों को बचाना चाहते है ना, जा अपना नया सूट पहन के, मैं तुझे तेरे सूट के साथ हरा के खाऊंगा और फिर इन दोनों के सारे हाथ पैर सब खाऊंगा। चिंता मत कीजिए, बस आप थोड़ी देर इसका ध्यान बताइए। नोवा तू 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 थोड़ी देर इसका ध्यान बटा ना, तू तू कोई बात नूम, तू इसका ध्यान बटा, मैं जल्दी से अपना सूट लेके आता हूँ, न्यू फ्यूरी में आता हूँ, आप चिंता मत करना। जल्दी मुझे 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 टोनी स्टार्क के पास जाना पड़ेगा सूट लेने के लिए। मैं आ गया, अरे रास्ता कहाँ था? हाँ रास्ता यहाँ पे था। टोनी स्टार्क मैं आ रहा हूँ। सूट का और क्या अपग्रेड कर सकता हूँ, तो बात किसकी थी, गंदी सी बात छपरी क्या बोले। एक तो ये एक तो ये सूट मेरे को डॉक्टर अप्पो ने आपकी वजह से दिया है और मेरा आपने सूट बनाया क्या? प्लीज सूट तो ऐसा बढ़िया है, बढ़िया है। इस पे नियॉन कलर और डाल दे और गाना बजा दे लाली कबूतर तो बढ़िया लगेगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हां लग रहा है ये थी। आप वो सब छोड़ो, आपने वो सूट तैयार किया जो आपने बोला था, तुम्हारी आंखों के सामने देख रहे हो। पिछली बार की तरह फिट तो नहीं जाऊंगा। वैसे अभी टेस्टिंग तो करी नहीं है मैंने, तो टेस्टिंग तुम ही करते जाओ 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 तुम जाओ, टेस्टिंग करने में अलग मजा आएगा, आप आओ ना मेरे साथ। मैंने टेस्टिंग मेरे साथ टेस्टिंग कर दी तो तुम कुछ नहीं होगा, मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं पूरी दुनिया को बचा लूंगा, आप चिंता मत करो। डरते नहीं हो, सूट वापस ले लूं? नहीं नहीं थोड़ा सा डरता हूँ। सूट अरे मेरा सूट, मैं अपना सूट तो पहन लूं। अब बताओ मेरी कूल है भाई सूट तो। अरे मेरे ओह माय गॉड, ओपरे जैसा सूट भी बना दिया, मेरे फ्लाइंग रिपल्सर्स काम नहीं कर रहे आज। फिर से ठीक है और क्या रहा, दो बार उड़ मैं उड़ भी सकता। ए ये स्पाइडर मैन है या आयरन मैन का? आयरन स्पाइडर सूट गया। ठीक है तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा वेनम की छुट्टी करने के लिए। आयरन मैन काफी है कि नहीं वो नहीं बता मैं, बस जाओ करके आ जाओ, टेस्टिंग नहीं हुई याद रखना। अरे टेस्टिंग तो मैंने कर दी, चिंता मत करो, ये सूट मेरे को फेल नहीं होने देगा, मुझे पूरा भरोसा है। हीरो वाली एंट्री, वेनम मैं आ गया और अब बहुत हुआ, देख रहा सूट लेके आया हूँ मैं, कब तक संभालू मैं वेनम को। अरे केबी भाई मैं आगे देख रहा हूँ, अब बोल सूट कह रहा था ना, बहुत बच रहा था ना, अब देखे वाला सूट छपरी से छपरा हो गया। क्या बोला इतनी वेनम को मार जल्दी है मेरे को मार। वेनम तू अब मरेगा क्योंकि अब मेरे पास नया सूट है। ठीक है अबे तेरा तो मैं बिगाड़ूंगा, तू देख मैं क्या करूंगा तेरे साथ। जले हाँ तो अभी भी बहुत खतरनाक एक आइडिया मेरे पास। केबी भाई सुन, हम दोनों साथ में इस पे वार करते हैं, हम दोनों की एनर्जी से पक्का इसके मेरे को लग रहा है सिम्बियोट को कुछ तो असर पड़ेगा। रेडी है? ठीक है ठीक है ठीक है। 3 2 1 go ए, ए, नॉर्मल हो गया ये, ए, 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 नॉर्मल हो गया। ए, उठे, ए, बेहोश क्यों है? लगता है बेहोश हो गया ये। क्या करने बोल गया? हो गया। रुक जाओ, क्या 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 करें अब हम दोनों, क्या करें इसका? इससे पहले वेनम इस पे वापस आते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद पर कहाँ करें? लिक्विड से पूछ करता हूँ। निक फ्यूरी, प्लीज हेल्प करो, वो वापस उठ जाएगा, प्लीज जल्दी से। ठीक है, सीट में हेलीकॉप्टर में उसने घायल ऐसी बंद करने के लिए, वैसे हमने वो हेल्प के लिए बनाई थी, अभी तो अब सुधर चुका है। हाँ तो
इसको रखेंगे बंद करके। क्या क्या करूंगा मैं इसका? इसको उस केज के अंदर रखना पड़ेगा, कोई उसको हाथ ना लगाए तो। रख दिया मैंने निक फ्यूरी, आप इसका ध्यान तो रखोगे ना पक्का? अरे आजा।